तो लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो रेगुलर टॉपिक आप लोग जो लोग कर रहे हैं क्या क्या पढ़े रिकॉल किए पहले 9th क्लास का जो लॉज ऑफ मोशन है और 11th का, फिर एक दो चीज नया चीज देखे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर फर्स्ट लॉ 9th वाला भी आया 11th वाले में थोड़ा सा अंतर देखे। 9th बता बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, लेकिन यहां देखे बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विल रिमेन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बाकी 9th वाला ही है। फिर सेकंड लॉ में आए तो सेकंड लॉ में देखे कि फोर्स सीधा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन से आ जा रहा था, यहां पर देखे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन से एवरेज फोर्स आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा, कोई नया चीज नहीं। 9th क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन बस बोल के भाग गए थे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 11th में आप देखे कि एक्शन रिएक्शन कब लगेगा कैसे लगेगा कहां लगेगा, एक्शन रिएक्शन पहचानना जरूरी है, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे लगना जरूरी है। मेन टॉपिक तो परसों के लास्ट क्लास में बताया गया था कि एक ऑब्जेक्ट बस रखा हुआ है किताब, उस पर लगने वाला वेट और उसमें लगने वाला नॉर्मल दो तरह का फोर्स तो है बट वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं। वैसा ही आज हम लोग कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस पहचानना सीखेंगे, जैसे उस दिन आप एक्शन रिएक्शन पहचान रहे थे खुद से ही तुम लोग बताए कि वेट और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, जूता वाला डायग्राम आप लोग बनाए थे है ना, जूता वाले डायग्राम में नाइंथर केवल बोल के निकल जाता कि जूता जितना लगा रहा है फोर्स एक्शन जमीन पर उतना ही रिएक्शन लगा दे रहा है जमीन जूता पर, बट 11th में ऐसे बोलने पर काम नहीं चलेगा, एंगल बनाना पड़ा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बराबर कर रहा है वो सब देखना पड़ा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आगे चल रहे हैं, ये सब चीज हमें 11th में जानना जरूरी है। बाकी फिजिक्स में तो चैप्टर ही होता है, जो 9th में पढ़े वही 11th में भी है पर थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आज कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोग पहचानेंगे जो कि हम लोग ने 9th में जब फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था तो उसको कंसिडर नहीं किया था, ठीक है, वैसा कुछ फोर्स अभी पहचानेंगे। उसमें जो सबसे फेमस है जिस पर कि आपका ये पूरा चैप्टर या फिर यू कैन से पूरा 11th क्लास का फिजिक्स बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में, फोर्सेस पहचानने में, अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है दैट इज आवर टेंशन, ये है ये पहला, ये फोर्स हमने, ऐसा नहीं है कि हमने 9th-10th में पढ़ा था तो लग नहीं रहा था, लग जरूर रहा था बट हमने उसको जान करके भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। वो फोर्स ऐसा नहीं कि तुम आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहली बार सुनोगे, पहले भी पढ़े हो बट उसको छोड़ दियो कि जाओ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो टेंशन के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, ये वाला ही क्लियर आप लोगों को करना। अब ध्यान से देखना, मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये फंसा हुआ है यहां पर है रस्सी है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना, रिजिड सपोर्ट, रिजिड है मतलब ये नहीं कि ये भी हवा में टूट के गिर, ये भी गिर रहा है वैसा नहीं, ये रिजिड है, ठीक है। ये तार है, स्ट्रिंग बोल सकते हो, वायर बोल सकते हो, रोप बोल सकते हो, इन्हीं तीनों चीज में जनरली दिखेगा, स्ट्रिंग में, वायर में, रोप में, क्या है वो बाद में देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका वेट किस तरफ लगेगा, इस पर वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये परसों आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें बताया गया था कोई भी फोर्स आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर एक वेट है, ये हम लोग को मालूम है, इस वेट से ये क्या हो रहा है, लेकिन ये टूट के गिर नहीं रहा, अभी गिरा नहीं है, लगा हुआ रस्सी पे, तो क्या कहते हो, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, ये जो वेट है जो कि इसके नीचे की तरफ जा रहा है बट गिर नहीं रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हाँ जरूर ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स है जो कि इसके वेट को गिरने से मतलब बैलेंस करेगा कि नहीं वो अलग बात है, बैलेंस कर देगा कि नहीं वो एक अलग बात है, बट अभी मेरे डायग्राम में गिरने से बचाया हुआ है, ठीक है। वही फोर्स है जिसको कि हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन, समझ आ रहा है, किस तरफ लगेगा, इस पर लगेगा, सीलिंग पे नहीं, रस्सी पे, सीलिंग पे कुछ नहीं, रस्सी पर, ठीक है। किस डायरेक्शन पे लग रहा है,
इस डायग्राम में यहां पर है टेंशन, टी से जनरली डिनोट करते हैं, दिस इज आवर टेंशन। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस है। इस फोर्स को हमने 9th-10th क्लास के क्वेश्चंस में इग्नोर करते हुए काम चला लिया था, अब इग्नोर करते हुए काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा ये छोड़ो, पिछले क्लास में आपको एक बलून वाला क्वेश्चन बताया गया था, बलून वाले में भी एक फोर्स आया था, ठीक है, वो बायोन्ड फोर्स था एक्चुअली में, याद आ रहा परसों जो क्वेश्चन किए थे, ऐसे बलून था, बलून वाला क्वेश्चन आप लोग किए थे, वेट तो नीचे की तरफ था, बॉडी भले नीचे आए चाहे उसमें से कुछ वेट निकाल लिए थे, बॉडी नीचे जा रहा था से फिर जाने लगा था ऊपर, जा रहा था ना, बट दोनों केस में ये वाला जो फोर्स था वो ऊपर लगा था, है ना। ये भी अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है उसको बॉडी के नीचे ऊपर जाने से मतलब नहीं है, दिस वाज बायोन्ड फोर्स। क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया था बायोन्ड फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कौन लगा था बायोन्ड फोर्स, फ्लूइड, लिक्विड, तो आप 9th में पढ़े थे, बट क्लियर बताया गया था हर फ्लूइड लगा था, किस डायरेक्शन में लगा था, ऊपर की तरफ, उसको इससे मतलब नहीं था कि ऑब्जेक्ट बलून नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, उससे मतलब नहीं था, ठीक है। वही 9th-10th क्लास में बलून वाला क्वेश्चन में हम लोग बायोन्ड फोर्स सोचते ही नहीं, बट परसों के क्लास में जो लोग थे उन लोग को आइडिया लगा होगा कि उस क्वेश्चन में वो बायोन्ड फोर्स अगर आप नहीं लेते तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, समझ आ रही बात। कुछ वैसा ही अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस इसी को बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि जो जो फोर्स तुम 9th-10th में अंडर एस्टिमेट करके छोड़ दिए थे वो 11th-12th में भी छोड़ करके भाग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ फोर्स आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस केस में ऐसा फोर्स लगेगा, समझ आ रहा। जैसे उस परसों वाले में शायद मैं बताया था चाहे नहीं, कुछ लोग मेरे से फोन करके पूछ रहे थे उस दिन कि एक बार नीचे जा रहा है एक बार ऊपर जा रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर ही क्यों लग रहा है, क्योंकि वो फोर्स बायोन्ड फोर्स था, हर फ्लूइड बायोन्ड फोर्स ऊपर ही के तरफ लगा था, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा नहीं जा रहा है ऐसा मतलब नहीं है, उसमें फ्लूइड जो है वो एयर था, ठीक है। वैसे इस केस में ये वाला जो टेंशन है ये बॉडी का वेट नीचे की तरफ, टेंशन रस्सी में खिंचाव है, रस्सी खिंचाएगा, देखे भी होगे, रस्सी है एकदम फिक्स सपोर्ट पे है, उसमें वेट भारी लगा करके रखोगे तो रस्सी में क्या महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर, मतलब वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम लोग टेंशन कहते हैं। इसको आप इग्नोर करके आज के बाद क्वेश्चन ग्राफ न्यूमेरिकल अचीवरमेंट एनसीईआरटी ये नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में ये भी आपको जानना, ठीक। जैसे कि अच्छा इसको लिख लो थोड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस, फोर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोग पुल्ली सिस्टम से अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस, हर किताब में फोर्स का अंडरस्टैंडिंग जो है वो पुल्ली सिस्टम से ही करवाया गया है, तो हम लोग भी पुल्ली सिस्टम से ही फोर्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा बताना अपने से भी, थोड़ा सोच सोच के, मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, बनाना मत बताना, ये पुल्ली है, ठीक, और इसमें से ऐसे दो तरह का मास पे इसमें से झुलाया गया है, ऐसे एक ही रस्सी है, रस्सी कितना है एक। ये समझाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जब आएगा अच्छी वर्मा का एनसीईआरटी का तो आप देखेंगे रस्सी अलग अलग भी हो सकता है, ये अभी तुमको ये कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं सर, ये सिर्फ फोर्स पहचानवाना सिखाया जा रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट है। यहां पर दो ब्लॉक है, इसका मास कुछ ले लेते हैं M1, इसका मास ले लेते हैं M2, ऐसे मान लेते आपने से कि M2 मान लो कि M1 से बड़ा है, ऐसे मान रहा, रस्सी एक ही है, केवल ओनली वन रस्सी, ये पूरा एक ही रस्सी है, ठीक है, पुल्ली सिस्टम है, और ऐसा मान लिए कि M2 का मास जो है वो M1 से ज्यादा है, तब क्या होगा, कौन नीचे जाएगा, मानते हो ना ये बात, तो जो जो मानते हो अंडरस्टैंडिंग उसी को बताना है, अंडरस्टैंड करना है, इस पे लगने वाला फोर्सेस पहले पहचानना, आज के बाद सिर्फ ये बोलना नहीं कि बढ़ रहा है घट रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं, पहले फोर्स अंडरस्टैंड करो फिर क्वेश्चन बताओ, ठीक है। इस पर कौन सा फोर्स थी, इसमें एक वेट कितना, अब ये है रस्सी, रस्सी पर ये लगा वेट नीचे की तरफ, अब क्या लगेगा, यही अंडरस्टैंड करना है, कोई देगा नहीं लिख के क्वेश्चन में, जैसे बलून वाला क्वेश्चन में वो ऐसा कोई लिख के नहीं देगा इसको बायोन्ड फोर्स ले लो वो कट जाएगा अगला स्टेप में, क्वेश्चन तो तुमसे जो पूछना था वही पूछा जाएगा,
तो आज के बाद ये सब याद, यही अंडरस्टैंडिंग है, कोई फॉर्मूला नहीं है टेक टेक इट एज टेंशन, ये अंडरस्टैंडिंग है, तुमको खुद से लगाना होगा। समझ वाली बात? ट्यूशन टीचर क्या कर सकता है, जितना टाइप्स ऑफ हो सकता है वो बताएगा क्लास में, है ना, बट आपको अंडरस्टैंडिंग खुद से सेटअप करना पड़ेगा। टेंशन लगेगा इसमें किस तरफ, इतना आ जाएगा तो काम बन जाएगा। लेकिन तुम लोग बोले हो ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तुम ही लोग बोले हो, ठीक है, तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है, मान लो किसी खास एक्सप्रेशन से, ए एक्सप्रेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर अब इसके लिए, अब ये नीचे जा रहा है तो ये कहां जाएगा, मान लेते हैं सेम एक्सप्रेशन से जा रहा है, मतलब ये जो डायग्राम में सेम एक्सप्रेशन वाले का बना रहा, ठीक है ना, ठीक है, माइनस है नहीं, डायग्राम अभी बना रहा। अब ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, पहले इसमें लगने वाला फोर्सेस पहचान के बता दो, कहां टेंशन, कहां यार, समझ में? अब यहां तक आ रहा है तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस सिस्टम का नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन बनाना अलग बात है, इसमें क्वेश्चन आएगा बना लेंगे, कैसे बनाएंगे आप ही लोग बता देंगे। जैसे फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी कहां जा रहा था, यहां पर बलून वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, नीचे जा रहा है, मतलब इस केस में ये तो बात की बात है, कौन कौन सा दो फोर्स था, लेकिन ये नीचे जा रहा, तुम ही लोग बोलो, इसका मतलब एक ज्यादा है, कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, और डायमेंशनल एनालिसिस कहता है फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगा, इसका मास m2 था और एक्सेलरेशन वाज k, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए के लिए बताओ क्या होगा, पहले देख लो दो तरह, कौन कौन से तरह का फोर्स काम कर रहा है, दो टेंशन और वेट, बॉडी ऊपर जा रहा है, तुम ही लोग बोले हो, मतलब इस केस में क्या जाता है, परसों भी बलून वाला क्वेश्चन देखे थे, किसी में बायोन फोर्स ज्यादा था किसी में कम था, उतना ही से डिपेंड करता है, टेंशन माइनस, हाँ टेंशन ज्यादा किससे, फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या हो जाएगा, एम वन इंटू के। अब इसमें जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे ये जो है उसमें हम लोग, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो मैं अपने से डेटा पढ़ दिया था, अभी डेटा पढ़ोगे तो सॉल्व करेंगे, ऐसे होगा क्या, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो कौन सा कट जाएगा, ये माइनस थी प्लस थी कट जाएगा, परसों क्या कट रहा था वो बिल्कुल वो कट जा रहा था, वही हिसाब किताब है, कट जाएगा, तुमको निकालने का जरूरत नहीं, लेकिन जबरदस्ती बोले निकालने तो वो भी निकाल सकते हैं, बट अप्रोच यही होगा कि ये टेंशन तुम लिए हो अपने से, अंडरस्टैंड किए हो, तो तुमको जनरली इसको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा खुद ब खुद। अब कोई बोले जबरदस्ती निकालने तो निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अप्रोच यही होगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे ये कट जाएगा, जो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो पुट करेंगे, जो अननोन होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस। इन केस ऑफ ये पुली है, अभी पुली वाला क्लियर हो जाएगा, पुली वाला एक्चुअली में क्लियर वाला बात नहीं है, पुली में तो कभी क्लियर किसी का पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि एक पुली में अलग सिस्टम है, दो में अलग है, तीन में अलग है, पांच में अलग है, सात में अलग है, तो वो अलग ही होते चले जाता है, तो वैसा लेकर के उसमें टाइम पास नहीं करना है, फोर्स अंडरस्टैंड करना सीखना आप लोगों को, ठीक है। चलो पुली वाला सिस्टम अगर समझे, एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके पहले मेरे को दिखाओ कितना समझे। ये सिस्टम है ट्रिपल ई 2004 का है, पहले का क्वेश्चन है, बट तुमको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सीख लेना है। M1 है 5 केजी का, M2 है 4.8 केजी का, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, टाइड टू वन एंड ऑफ अ लाइटलेस स्प्रिंग पुली लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मतलब कह रहा है कि एक ही एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन, of the masses when lift k
is free to move. G9.8 लेना है, बोल रहा है. लिफ्ट इज फ्री टू मूव मतलब अब ये रुका हुआ है, इसको रोके हुए है, अब अलाउ कर दिए हैं गिरने के लिए. तो कितना होगा एक्सेलरेशन वो बताना. ऑप्शन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. खुद से करना, खुद से ट्राई करो, खुद से बनाओ. देखो खुद से ही बना ले रहा है बच्चा लोग, खुद से ही. देखो जेई का क्वेश्चन शुरू हो गया, जेई का तो नहीं है, टेबली का पहले का क्वेश्चन बहुत लोग बना ले रहे हैं. वेट लगा लो, इसका कितना हो जाएगा m1g, और इस पे क्या लगेगा टेंशन, इसमें m2g, और इसमें क्या लगेगा टेंशन. आज का टॉपिक में है इसीलिए नहीं, अब जब तक कम से कम साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे, रस्सी पुल्ली का क्वेश्चन में टेंशन अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस के तहत आएगा. कोई बताएगा नहीं कि उस रस्सी में टेंशन लगा हो, तुमको खुद से लेना है. कोई बताएगा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन में बायन फोर्स लगा हो, तुमको खुद से लेना है. इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस. ठीक है, बाकी आप बताओ. इस ब्लॉक का नाम ए मान लेते हैं, इस ब्लॉक का नाम बी. तो और ये किसका मास ज्यादा था, इसमें m1 का ज्यादा था, है ना. तो यही वाला क्या जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा. ठीक है, फॉर ब्लॉक ए बताओ कौन ज्यादा है, ये क्योंकि नीचे जा रहा है. बोलो m1g ज्यादा है किससे, टेंशन से. फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, फोर्स m1. ए दिस इज इक्वेशन नंबर. फॉर ब्लॉक बी के बारे में कुछ बताओ, कुछ तो बताओ. ब्लॉक बी कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब कौन ज्यादा है, टेंशन किससे ज्यादा है. फोर्स से फोर्स घटाएंगे फिर क्या आ जाएगा, m2 ए. अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस, इसे क्या कट जाएगा, ये माइनस की प्लस की कट गया. m1g माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2 कॉमन आ रहा दोनों में, ए इसमें g भी कॉमन आ रहा है. m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 ए. ठीक है, तो m1 कितना दिया था, 5, 4.8, फिर 5 प्लस 4.8 इंटू ए. ये जी का वैल्यू बोल रहा है कितना लेने, 9.8, ये हो गया 0.2, इसको जोड़ेंगे फिर 9.8 इंटू ए, ये 9.8 भी कट जाएगा. तो दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो टेंशन नहीं बोला है कट जा रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का फोर्सेस है, बट ये कोई नकली फोर्स नहीं है. कोई बोल देता निकालने तो निकाल देते, कट जा रहा वो एक अलग बात है, बट कोई बोलेगा निकालने तो निकाल देंगे. टी का वैल्यू कितना आ रहा है, हाँ कहीं पुट कर देंगे. यही तो है अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या, कोई नकली फोर्स नहीं है कि तुम बस आंसर लाने के लिए ले लियो, वो है वहां पर. ये तुम ए निकाले और कहीं पे पुट करके टी का वैल्यू भी बता देते तुमको कितना आ रहा है. परसों बायन फोर्स का कोई नकली फोर्स है, वो आंसर लाने के लिए लिए थे क्या, वो अंडरस्टैंडिंग करवाया जा रहा है तुमको कि नाइन्थ पर वही क्वेश्चन होता तो शायद तुम नहीं लेते. अब तुमको लेना है, लेना है मतलब कोई नकली नहीं है, वो एक्चुअल में उसका वैल्यू भी आ जाएगा. चलो ऐसा एक और क्वेश्चन, इस पर डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम में खुद से लेना. लाइट स्ट्रिंग है पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 वर्टिकली. डायग्राम नहीं है बट जो लोग समझ लोगे पिछला जो डायग्राम बनाया वही होते हुए नजर आ रहा है. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस बार एक्सेलरेशन दिया हुआ है g/8, g का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, वो कट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उनको वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है. रेशियो ऑफ द मासेज, इस मास का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, कौन ज्यादा है कम है नहीं दिया, तुम अपने से मान लो आंसर सेम आएगा. 8:1, 9:7, 4:3, 5:3. चलो बनाओ बच्चों, डायग्राम दिया हुआ नहीं तो अपने से ले लो, किसी को ज्यादा किसी को कम. m1 m2, वेट इसका नीचे, इसका वेट भी नीचे, टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर. ब्लॉक का नाम कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसे मान लेते हैं. कौन कहाँ जा रहा है वो भी लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब पूरे का नेट एक्सेलरेशन सेम है. मैं मान लेता हूँ कि ये नीचे जा रहा है,
ये ऊपर जा रहा है, मेरे डायग्राम में मैंने मान लिया है कि M1 M2 से ज्यादा है, ये मैंने माना है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। करेंगे फॉर ब्लॉक ए, बोल भाई ब्लॉक ए में मेरे डायग्राम में कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फोर से फोर घटाएंगे, दिस इज M1, इक्वेशन नंबर वन फॉर ब्लॉक बी, ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें कौन ज्यादा है, टेंशन किससे ज्यादा है, वेट से, फोर्स से फोर्स घटाएंगे, दिस विल बी M2, ये आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, ये कट गया, बताओ कितना आया, एम वन जी माइनस एम टू जी बराबर ए एम वन प्लस एम टू, कुछ दिया हुआ तो है नहीं, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें जी कॉमन निकाल लेते बढ़िया रहेंगे, एम वन माइनस एम टू इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया था, जी बाई एट एम वन प्लस एम टू, जी जी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एट एम वन माइनस एट एम टू, एम वन प्लस एम टू, अब बताओ एट एम वन में से एम वन इधर आके माइनस हो गया, कितना हुआ, नाइन एम टू, अब बोला थोड़ी है कि M1 by M2 निकालना, M2 by M1, मेरे को क्या पता, कोई भी निकाल सकते हो, हम लोग मान लो M1 ऑप्शन के हिसाब से 9 is to 7, तो M1 by M2, M1 by M2, this is 9 ratio 7, जल्दी जल्दी बनाओ, ऊपर जाते हुए लेकर तो सेम आंसर, वो सेम तभी नहीं आता जब लिख के देता कि M1 ज्यादा है M2 कम है, ऐसा लिखता जो बोल रहा है वही आता, ऐसे जब लिखा ही नहीं है मतलब कोई भी ले लो सेम ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओ अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में, खुद से आप खुद से, टू बॉडीज ऑफ मास है 4 kg and 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास नहीं लेना है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुल्ली व्हिच इज फ्रिक्शन लेस, यही सब तो था पिछला दो तीन क्वेश्चन में, फ्रिक्शन लेस जाओ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं लेने का, सी फिगर फिगर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जी, आंसर जी के फॉर्म में बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज वैसे डायग्राम भी दिया हुआ तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम मेंशनड है, डायग्राम मेंशनड है बॉस, डायग्राम मेंशन है, दिस इज 4 kg, दिस इज 6 kg, क्वेश्चन में बनाया हुआ है, पिछले में तुम लोग अपने से लिए थे ना, इसमें लिख के दे रहा है, यही डायग्राम लेना है, पुली का मास नहीं लेना है, स्ट्रिंग का मास नहीं लेना है, फ्रिक्शन लेस पुली लेना है, ये सब बता के दिया, आंसर जी के फॉर्म में बताना है जी, ऑप्शन भी है जी बाई 5, ऑप्शन है जी बाई 10, ऑप्शन है जी और जी बाई 2, क्या आंसर है जी बाई 5, ओके क्वेश्चन बनाते बना दिए बच्चे, बट ठीक है अभी बना के देखते हैं क्या आएगा, कितना रहा बच्चों, जी बाई 5, कैसे इसको क्या लिए, इसका वेट 6g ना, और इसका 4G कहाँ गया, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यही नीचे जा रहा होगा, कुछ लिखा नहीं तो यही ऊपर जा रहा है, यही निकालना है ना, चलो ब्लॉक ए के लिए बोलो 6G - T ना बराबर 6A, इक्वेशन नंबर फॉर ब्लॉक बी, बोल भाई ये मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, 4 ग्राम नहीं है, कंफ्यूज मत कर देना, mg वाला g है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में उल्टा पुल्टा कर लेता है, 4a, फिर से t निकालना नहीं है, फिर माइनस करो, क्वेश्चन 1 प्लस, बोल बेटा कितना हुआ, इधर हां 2g और इधर 10a, a बराबर सबका आ गया था क्या, सबका गया था, यही है नीट 2020, यही क्वेश्चन पूछा गया था मेडिकल 2020 में, उल्टा सीधा किताब बता देगा भैया, दीदी लोग भाभी लोग चाची लोग इस बुक से आएगा मेडिकल का एग्जाम में, ये पढ़ लो खुद क्या करो, किसान है, ऐसा से दूरी बनाओ, ऐसा से दूरी नहीं बनाओगे करियर गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, उल्टा पुल्टा किताब बताने वाले से दूरी बनाओ, नहीं तो तुमसे भी नहीं निकलेगा, तुमको अपने साथ लेके जाएगा जो भी काम वो सोचा है भविष्य में करने के लिए, ठीक है, वो सोचा दुकान खोलेगा चाउमीन का, उनको साथ में ले के चला जाएगा, वैसा बोका बच्चा से थोड़ा दूरी पर आ गया, और तो जैसे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में 4 3 तरह का आपको अभी फिलहाल के लिए काम आने वाला है, कौन कौन सा,
बलून वाला फ्रिक्शनल फोर्स, पुली वाला तो अभी एक पुली वाला आप लोगों को मोटा मोटी आइडिया लगा, अभी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, अभी अंडरस्टैंडिंग करना है। तीसरा यही है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। डायग्राम बना लोगे सब लोग जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डायग्राम में ऐसे हॉर्स और ऐसे कार्ट लिखने पर नहीं चलेगा, पूरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिन लोग बना लिए उन लोग देखोगे, परसों अगर जूता वाला क्वेश्चन देखे होगे, परसों अगर जूता वाला क्वेश्चन देखे थे तो समझ में आएगा। इस घोड़े का यहां से देखोगे मूवमेंट, इसमें एक्शन लग रहा है इधर, दिस इज एफ, ये थोड़ा यहाँ एफ दो बार लिखा गया है, वही गड़बड़ हो रहा है, इसको कुछ और मान लीजिए, ठीक है। अभी घोड़ा के लिए बस देखते हैं, घोड़ा के लिए, घोड़ा के लिए ये क्या है इसका एक्शन, ये क्या है इसका रिएक्शन, फिर ये एंगल के साथ, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाले को कहते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। परसों बताया गया था ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करना चाहिए, जरूरी नहीं है नहीं किया लेकिन तो फिर चोट लग जाएगा, घोड़ा को गिर जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाते समय भी ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वेट बराबर, बट ये वाला कंपोनेंट को देखो ये एच, ये बाकी रह जा रहा है, इसी वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से ये घोड़ा क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो इधर एक्सेलरेशन ए, मान लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। बाकी अभी रस्सी लगा हुआ है कार्ट में, तो जैसे घोड़ा आगे जाएगा, अभी पुल्ली वाला क्वेश्चन बनाए हो, घोड़ा जब आगे जाएगा तो इस रस्सी में लगने वाला ये जो टेंशन है ये पीछे की तरफ आएगा, ये घोड़ा के लिए, ठीक है। और फिर भी ये घोड़ा मेरे डायग्राम में आगे जा रहा है, इसका मतलब है ये जो एच है वो इस टी से ज्यादा होगा, और फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा, अभी न्यूमेरिकल बना रहे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, घोड़े का मास एम, एक्सेलरेशन ए, ये घोड़े का हो गया। अब ये कार्ट के लिए देखते हैं, ये कार्ट के लिए, ये कार्ट है, इस कार्ट का वेट नीचे की तरफ एम जी, जमीन जो इस पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये रस्सी से खिंचा रहा है ये टेंशन, ये कार्ट का है, ठीक है, क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, और फ्रिक्शन को भी ले रहे हैं इस डायग्राम में। वैसे कुछ लोग समझदार है उन लोग बताएंगे, फ्रिक्शन आपको ऑफिशियली 11th क्लास में एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है, बट अभी इस डायग्राम में यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लेंगे क्योंकि व्हील है और जमीन है तो फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, यही तो है अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस। परसों वाले क्वेश्चन में तुम बलून वाले में कहां लगा रहे थे बायोन फोर्स, लगाना पड़ा। आज वाले क्वेश्चन में तुमको मालूम ही नहीं था कि टेंशन लेना है, लेना पड़ा। इस क्वेश्चन में तुमको था नहीं फ्रिक्शन, बट यही अंडरस्टैंडिंग है, समझना पड़ेगा, इसमें होगा फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में लिख के दे फ्रिक्शन ले से वो एक अलग बात है, बट अभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल थोड़ी कर रहे हैं, अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्वेश्चन को। अरे समझ में, तो ये इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये नॉर्मल और ये वेट इधर भी बराबर होगा, बट फिर भी ये कार्ट आगे जा रहा था, मतलब इस कार्ट के लिए ये जो टेंशन है, कार्ट के लिए जो टेंशन है ये इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा था, फोर्स से फोर्स घटाएंगे फिर फोर्स आएगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू पूरा सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, जो क्वेश्चन गिवन होगा इक्वेशन वन को ऐड करके सबट्रैक्ट करके वो बात की बात है। अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस में हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम्स ये है, ठीक है। तो कल हम लोग इस पर और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत सारे टाइप का, पुल्ली वाले में और भी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। हॉर्स कार्ट हर किताब में दिया हुआ बट इस पर क्वेश्चन आया नहीं है कभी वैसा, पुल्ली पर ढेर सारे टाइप्स का न्यूमेरिकल है, कल करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।